नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। भारतीय टीम का बांग्लादेश दौरे के बाद लगातार तीन देशों के खिलाफ घर पर ही रहकर खेलना है। इनमें सबसे पहले श्रीलंका और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन तीन मैचों का वनडे और T20 सीरीज, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज और चार मैचों का एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। घर पर रहकर खेलने से भारतीय टीम को फायदा भी होगा क्योंकि अगले साल वनडे विश्व कप भारत में ही होने वाला है। वहीं न्यूजीलैंड जब जनवरी में भारत का दौरा करेगी वनडे और T20 सीरीज खेलने के लिए, तब उस टीम में अनुभवी खिलाड़ी और मुख्य कप्तान केन विलियम्सन नहीं दिखेंगे। वहीं विलियम्सन के साथ साथ टीम के हेड कोच गैरी स्टीड भी अपनी टीम के साथ भारत नहीं आएंगे। न्यूजीलैंड के दोनों मुख्य सदस्य को न्यूजीलैंड क्रिकेट वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से आराम देने का फैसला किया है। वहीं उम्मीद होगी कि दोनों उसके बाद अपनी टीम के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे। वहीं केन विलियम्सन के अनुपस्थिति में भारत दौरे पर वनडे टीम के कप्तान टॉम लैथम होंगे और कोच के रूप में ल्यूक रोची दिखेंगे। वहीं विलियम्सन की जगह पर टीम में मार्क चैपमैन को शामिल किया गया है। भारत के दौरे पर न्यूजीलैंड के तेज और अनुभवी गेंदबाज टीम साउदी के साथ साथ गेंदबाजी कोच शेन जुगेसन भी नहीं आ रहे हैं। इस खिलाड़ी को भी न्यूजीलैंड क्रिकेट ने आराम देने का फैसला किया है। इस खिलाड़ी की जगह को पूरा करने के लिए जैकॉब डफी को न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में शामिल किया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत दौरे से पहले न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान दौरे पर जा रही है, जहां मेज़बान देश के खिलाफ ये दो टेस्ट और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है। पहला टेस्ट मुकाबला 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक खेला जाएगा और दूसरा मुकाबला 3 से 7 जनवरी तक खेला जाएगा। वहीं वनडे सीरीज की शुरुआत 10 जनवरी को होगी। इसके बाद दूसरा मुकाबला 12 और अंतिम मुकाबला 14 जनवरी को खेला जाएगा। वहीं भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड 18, 21 और 24 जनवरी को वनडे सीरीज का मुकाबला खेलेगी और फिर T20 सीरीज खेलने वाली है। तो न्यूजीलैंड के मुख्य खिलाड़ियों के टीम में ना होने से भारत के खिलाफ उन पर क्या असर पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।